और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लगभग दोपहर का 3 बज रहा है और मौसम देख सकते हैं आप लोग, ठंड का मौसम है और काफ़ी मतलब खूबसूरत सा मौसम है। इसलिए हम चलते हैं आगे, दिखाएंगे आप लोग को व्यू। सो नदी के पास का व्यू दिखाएंगे आप लोग को। और गाइस ये जो है ये महल है एक, बट इसमें फ़ोटो या वीडियो अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पे का ब्लॉग नहीं शूट हो पाया था। और गाइस चलते हैं आगे, दिखाते हैं आप लोग को पूरा किस तरह से आज का मौसम है। सो आज पानी उनी भी बरस रहा था और काफ़ी मतलब देखने लायक था मौसम। सो अभी दिख रहा होगा आप लोग को गाइस, तो चलते हैं इसको थोड़ा पास से दिखाते हैं आप लोग को। और गाइस ये जो महल नज़र आ रहा होगा ये चौकत महल और गौहर महल के नाम से जाना जाता है। और ये देख सकते हैं इधर से, बट अंदर जा सकते हैं मगर फोटो या वीडियो वगैरह नहीं ले सकते, तो फिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं बनता। बट दिखाते हैं आप लोग को पूरा गाइस, चलते हैं आगे। तो गाड़ी बहुत चल रही है तो रोड पार करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमको। यहाँ से देख सकते हैं गाइस व्यू, ये पोस्टर वगैरह भी लगा हुआ था सो गिर गया है। और गाइस इधर से देख सकते हैं ये अभी बंद है, इधर से देख सकते हैं पूरा व्यू सेट इस तरह से दिखता है गाइस। यहाँ पे एक मस्जिद है जो आप लोग नमाज पढ़ सकते हैं। और गाइस यहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ, कोई भी कूड़ा कोई भी मतलब जो भी चीज़ हो डस्टबिन में डाले आप लोग। और गाइस इधर देख सकते हैं पूरा, ये जो है काफ़ी हेवी जगह घूमने का। सो हम रोड पार कर लेते हैं वीडियो को रोक कर। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं व्यू, पूरे में एकदम फॉग लगा हुआ है जो कि आप लोग को कुछ दिखेगा नहीं आगे से। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है काफ़ी बेहद नज़ारा देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। तो ये VIP रोड के पास है लेक व्यू। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 3 बज रहा है दोपहर का और धूप का कुछ पता निशान नहीं है। और गाइस यहाँ पे पूरे में धुनी फॉग लगा हुआ है जो कि आप लोग को दिख रहा होगा वीडियो में। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सोलर वगैरह भी यहाँ पे लगा हुआ है, बट यहाँ पे देख सकते हैं VIP रोड है ये। और यहाँ से देख सकते हैं गाइस महल वगैरह, चौकत महल और गौहर महल जो है जस्ट यहीं पर है, तो उसमें वीडियो या कोई भी चीज़ फ़ोटो वगैरह नहीं ले सकते हैं, तो ये कोई फ़ायदा नहीं बनता जाने का। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस काफ़ी बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा आप लोग को। और आप लोग यहाँ पर अभी आकर, अभी के समय में आकर ठंड के समय में आप लोग यहाँ पे घूम सकते हैं, तो इसका काफ़ी हेवी नज़ारा दिखेगा आप लोग को। यहाँ पे देख सकते हैं राजा भोज का मूर्ति वहाँ पर लगा हुआ, तो वहाँ पर चलते हैं। और यहाँ पे का मतलब काफ़ी ब्लॉग है हो चुका है, फिर भी यहाँ पे बनाए हुए कि ठंड के समय का हेवी मौसम दिखता है इसलिए। तो यहाँ पे का नज़ारा देख सकते हैं गाइस, उस पार तो कुछ दिखवे नहीं करेगा। सो देख सकते हैं पूरा किस तरह से यहाँ पे जो है गाइस कुछ दिख नहीं रहा। सो लगभग 3 बज रहा है, सुबह का भी समय नहीं है ना शाम का समय है, 3 बज रहा है, फिर भी मौसम देख सकते हैं आप लोग। और गाइस यहाँ पे जो राजा भोज सेतु का मूर्ति के पास चलते दिखाते हैं, ये देख सकते हैं VIP रोड है गाइस और काफ़ी मज़ा आ रहा है। सो घूमने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो आप लोग भी आए और यहाँ पर घूमें विजिट करें, तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है आने में। तो आप लोग आए और यहाँ पर जो है घूम सकते हैं। और गाइस ये जो है यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने का बहुत ही हेवी प्लेस है, तो VIP रोड के पास आकर आप लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह करा सकते हैं। आज का ब्लॉग यही पर्पस पे बना है कि देख सकते हैं यहाँ पे पूरे में फॉग लगा हुआ पूरा भोपाल पे, देख सकते हैं राजा भोज सेतु जो है वहाँ पर देख सकते हैं वो वाला पुल पूरा क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा। और एक मूर्ति वहाँ पर है राजा भोज सेतु का, तो गाइस हम चलते हैं उधर और दिखाते हैं आप लोग को पूरी तरीके से। ये जो है VIP रोड है, इसका नाम, ये प्लेस का नाम है VIP रोड। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इतना ज़्यादा धूल, इतना ज़्यादा फॉग लगा हुआ कि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। सो लग रहा है इसके आगे कुछ कोई कुछ है ही नहीं, बट इससे जस्ट आगे जाइएगा तो आप लोग को वहाँ पर लेक व्यू दिखेगा
और वहाँ पर का बेहद खूबसूरत नज़ारा है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से धुनी लगा हुआ है। सो ये रोड है और बढ़ते हैं इसी तरह से। यहाँ पे जो काफ़ी हेवी, यहाँ पे लगभग 3 के आसपास बज रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने लायक जगह है। तो आप लोग आए विजिट करें यहाँ पे, और किसी के साथ आए, अकेले ना आए, अकेले आकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं झंडा वगैरह लगा हुआ। और गाइस यहाँ पे गाड़ी वगैरह जो है काफ़ी चल रहा है। सो यहाँ पे जो है जगह जगह पे आप लोग को डस्टबिन मिल जाएगा, तो एक ये थोड़ा अच्छी बात है जो आप लोग गंदगी ना फैलाए। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है VIP रोड है। सो नाम भी VIP है, देख सकते हैं, पूरा देखकर ही पता लग जाएगा कितना VIP रोड है। तो गाइस चलते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं डस्टबिन मिल जाएगा, तो यहाँ पे डस्टबिन में कोई भी कचरा हो फेंके। और गाइस हम पहुँच गए राजा भोज सेतु के मूर्ति के सामने में, थोड़ा सा और वक्त लगेगा। यहाँ पे काफ़ी लंबा रोड है और ब्रिज है, ये पूरा जितना भी नीचे चल रहे हैं तो ब्रिज है। यहाँ पे देख सकते हैं पानी का वगैरह, ये जो है बड़ी तालाब है, सो बड़े तालाब से भी नाम से जाना जाता है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हमीदिया हॉस्पिटल दिख जाएगा आप लोग को। तो चलते हैं मूर्ति के पास, और राजा भोज सेतु का यहाँ पे बहुत ही बड़ा पत्थर का बना हुआ है। तो गाइस इधर से दिखाते हैं आप लोग को पूरा ब्लॉग। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोग अभी विजिट करने घूमने भी आए हुए हैं। और यहाँ पे VIP रोड का कुछ इस तरह से रोड वगैरह दिख जाएगा, और यहाँ पे काफ़ी लोग अभी देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। सो और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ दिख नहीं रहा है, इतना अंधेरा है। सो मतलब अंधेरा नहीं है, लाइट सनलाइट जो है मतलब धूप दिख नहीं रहा, तो इसलिए आप लोग को कुछ दिख नहीं रहा होगा अच्छा से। और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। सो इधर से रोड है, ये देख सकते हैं रोड, ये तो ब्रिज दिख नहीं रहा है। सो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, बस इतने था गाइस ब्लॉग, और बस ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिराज किंग ब्लॉग को आप लोग पूरा देखें और सपोर्ट करें। तो रोक देते हैं वीडियो यहीं पर। और गाइस हम चलते हैं बाहर जो कि रोड से घर की तरफ, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवा भी चल रहा है, सो ठंड का समय है। और गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय मिलेगा, सो आप लोग यहाँ पे आके ज़रूर विजिट करें, घूमें एक बार। और यहाँ पे जो गाइस देख सकते हैं पूरा नज़ारा किस तरह से, यहाँ पे लगभग 3 बज रहा है। सो यहाँ पे 3 बजे आप लोग आए, जो जहाँ पे पूरा फॉग वॉग लगा हो तो अलग ही मज़ा रहता है आने का। तो देख सकते हैं गाइस व्यू। और गाइस चलते हैं घर के तरफ, और आप लोग देखते रहिए मिराज किंग ब्लॉग। तो जस्ट जल्दी फिर मेरा न्यू ब्लॉग आएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, चलते हैं।